Surprise, surprise, motherfucker! The king is back! हेलो गाइस, तो कैसे आप सभी लोग, आपका स्वागत है एक और नई वीडियो में। तो आज की वीडियो में हम करने वाले हैं कुछ एक्सपेरिमेंट जो कि हर किसी का डाउट रहता है, क्या हम शील्ड का यूज़ करके शॉटगन की बुलेट को रिफ्लेक्ट या फिर उसको वहीं पर रोक सकते हैं कि नहीं। सो इस वीडियो में हम करेंगे अलग अलग तरीके से एक्सपेरिमेंट एंड उसके बाद देखेंगे कि हम किस तरीके से शॉटगन की बुलेट को रिफ्लेक्ट कर सकते हैं। तो ये है मिनी मिलिशिया क्लासिक एक्सपेरिमेंट सीरीज का पार्ट 2 एंड इसका भी लाइक M30 है, आई एम डैम श्योर आप कंप्लीट करा दोगे। सो गाइस, सबसे पहले हम एक्सपेरिमेंट करेंगे क्राउच करके और देखेंगे क्या वो रिफ्लेक्ट करेगी या फिर वहीं पर रुक जाएगी। तो यहाँ पे दिनेश ने यार चला दिया शॉटगन एंड देख सकते हो गाइस यहाँ पे रिफ्लेक्ट तो नहीं करी है बट यार ये यहीं पर रुक गई है। एंड गाइस अब सेकेंड बार हमने एक और बार इसको ट्राई किया ना, तो यार ये है ना रिफ्लेक्ट कर गई थी बिकॉज थोड़ा सा एंगल बन गया था जिससे ये जैसी मेरे शील्ड पे लगी उसी टाइम रिफ्लेक्ट कर गई। अगर गाइज आपके ऊपर है ना ये शॉटगन एकदम स्ट्रेट आएगी तो रिफ्लेक्ट नहीं करेगी, अगर ये हल्की फुल्की सी टेढ़ी आएगी तो रिफ्लेक्ट होने के चांसेस बन जाएंगे। तो यहाँ पे मैंने वापस से दिनेश को कह दिया कि यार वापस से एक बार करते हैं। एंड गाइज इस बार हम थोड़ा दूर से करेंगे और इस बार हम क्राउच नहीं करेंगे एंड देखते हैं। सो गाइज हमने क्राउच नहीं किया था फिर भी यार ये यहीं पर रुक गई। सो गाइस हमने अभी दो एक्सपेरिमेंट कर लिए हैं क्राउच और बिना क्राउच के, तो दोनों में तो बुलेट रिफ्लेक्ट तो नहीं हुई बट वहीं पे ही रुक गई। सो गाइस चलिए तीसरा एक्सपेरिमेंट करते हैं। सो अब हम ट्राई करेंगे उड़ते समय शील्ड से रोकने की कोशिश। तो यार यहाँ पे मैं उड़ते हुए जा रहा हूँ एंड इन्होंने शूट कर दिए बट यार ना ही इस बार बुलेट रुकी और ना ही रिफ्लेक्ट करी। एंड गाइज ये क्यों हुआ, क्योंकि जब हम उड़ रहे हैं तो हमारे है ना उस टाइम पैर दिख रहे हैं गाइज, जिसकी वजह से आपने देखा होगा वो मेरे पैर में बुलेट चली गई थी। अगर गाइज हम है ना यहाँ पे नॉर्मली चलते हैं ना तो शायद से हम इसको रोक सकते थे। सो गाइज हमारा लास्ट एक्सपेरिमेंट, इसमें हम शॉटगन की बुलेट को जिगजैग पैटर्न में भेजेंगे एंड देख सकते हो दिनेश भाई की ये हेड पे लगी। सो गाइज जिगजैग में आपके 3 चांसेस हो जाते हैं कि वो आपके ऊपर से निकल जाएगी जिससे आप बच जाओगे, दूसरा होता है कि आपके हेड पे लग के आप मर जाओगे, तीसरा जो कि बहुत कम चांसेस होते हैं कि आपके शील्ड के एकदम मिड में लग के वो रिफ्लेक्ट या तो वो रुक जाएगी। एंड गाइज आप इस क्लिप में देखिए यहाँ पर मैंने शॉटगन को शूट किया था और ये एकदम शील्ड के टॉप पे लगी थी जिससे यार ये वापस से बाउंस हुई और दिनेश भाई मर गए। एंड गाइज अब आप पूछोगे यार तो शॉटगन की बुलेट अगर जिगजैग करके आई तो क्या अब हम नहीं बच सकते, तो यार बच सकते हो, बस आपको थोड़ा फोकस करना पड़ेगा। अगर जिगजैग में बनते हुए आ रही है शॉटगन तो यार आपको ना एकदम अच्छे से फोकस करना पड़ेगा एंड देखना पड़ेगा कि जब वो बुलेट आप पे आ रही हो तो आप है ना उसी टाइम अपने शील्ड का मुंह ले आओ जिससे वो शील्ड के एकदम मिड में लगे और वो वहीं रुक जाए या तो फिर वो रिफ्लेक्ट कर जाए।